नमस्कार, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हूँ राहु केतु का राशि परिवर्तन का शुभाशुभ फल को लेकर के। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 23 सितंबर सन 2020 को राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। यह दोनों ग्रह तामसिक प्रवृत्ति के ग्रह हैं और 18 माह के भीतर अपने राशि परिवर्तन करते हैं। लगभग 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, 1.5 साल से भी ऊपर ही ये एक राशि में रहते हैं। और दोनों ग्रहों की जो स्थिति है, जब राशि परिवर्तन करके जाते हैं तो वह वक्र स्थिति में ही राशि परिवर्तन करते हैं। वक्र स्थिति अर्थात और ग्रहों से दूसरी दिशा की ओर, उल्टी दिशा की ओर घूमते हुए राशि परिवर्तन करते हैं। संभाविक रूप से जब भी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो पीछे वाली राशि को छोड़कर के अगली राशि में जाते हैं। जबकि ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो उल्टी दिशा में आते हैं। जैसा कि मिथुन राशि में राहु चल रहे हैं और धनु राशि में वर्तमान में केतु हैं, तो राशि परिवर्तन करके 23 सितंबर को राहु आएंगे वृषभ राशि में और केतु आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, तो वक्र स्थिति से ही राशि परिवर्तन करते हैं। और तामसिक प्रवृत्ति के ग्रह हैं, चूँकि पापक ग्रहों में सर्वोच्च स्थान राहु केतु को ही स्थित है, क्योंकि यह अचानक से लाभ हानि, अचानक से होने वाली घटनाओं को संचालित करते हैं, तो इनका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर तो पड़ता ही है, लेकिन साथ ही व्यवसाय, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रकृति पर भी इनका प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। अभी तक हमने बात की मेष राशि से लेकर के धनु राशि पर्यंत सभी राशि के जातकों का कि किस प्रकार से आपके लिए यह रहने वाला है, लेकिन अब जो अगली राशि है वह राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन कितना शुभ व कितना हानि पहुंचा सकता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं आपसे विनम्र निवेदन करूं कि हमारे चैनल के माध्यम से, चाहे वार्षिक राशिफल हो, चाहे अंक ज्योतिष के माध्यम से हो, चाहे नक्षत्र ज्योतिष के माध्यम से हो, किसी प्रकार से जो भी सामग्री आती है आपको कतई डराने के मकसद से नहीं आती है, अर्थात भयभीत करने के लिए नहीं आती है, बल्कि जिस भी क्षेत्र में आपको कहीं हानि इत्यादि की संभावनाएं बने तो वहाँ सतर्क और सावधान करने के लिए हम इसको बोलते हैं। साथ ही चंद्र कुंडली के माध्यम से हम यह राशि का शुभाशुभ फल जानेंगे, अर्थात इसको लग्न कुंडली से यदि मकर लग्न है तो मत देखें, बल्कि यदि चंद्रमा मकर राशि में है, अर्थात 10 अंक पर चंद्रमा स्थित है, जहाँ 10 अंक लिखा है जन्म कुंडली में, तब आपकी मकर राशि बनेगी और उसी के हिसाब से ग्रहों की का यह शुभाशुभ फल हमने तैयार किया है। तो मकर राशि के जातकों के लिए अभी तक मिथुन राशिगत 6ठे स्थान पर राहु स्थित थे, जबकि केतु आपके लिए धनु राशि व्यय स्थान पर स्थित थे। अब यह राशि परिवर्तन करेंगे और राहु आ जाएंगे आपके लिए 5म स्थान वृषभ राशि में, जबकि केतु आ जाएंगे लाभ स्थान अर्थात 1.5 भाव आय स्थान में। दोनों ग्रहों का शुभाशुभ फल है आपके लिए, अच्छा यह राशि परिवर्तन आपके लिए होने जा रहा है। किंतु राहु की ओर से 5म स्थान पर राहु आते हैं तो यहाँ विद्या में विलंब होता है, संतान के साथ मतभेद व वैचारिक मतभेद होते हैं, किसी भी प्रकार से आपको विद्या में दिग्भ्रमित करने का काम यहाँ पर राहु करते हैं। लेकिन राजनीतिक स्थिति के लिए एक अच्छी स्थिति है, आप एक अच्छे प्रखर प्रवक्ता बन सकते हैं, लेकिन विद्या से संबंधित चीज़ों पर यहाँ पर आपको सतर्क सावधानी रहना चाहिए। किसी प्रिय बंधुओं से, भाई बंधुओं से के साथ मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, अपने शत्रुओं का आप दमन करने में भली भांति से सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि यहाँ आपके विद्या पर इसका प्रभाव पड़ेगा, अर्थात यदि आप प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सतर्क और सावधान हो जाइएगा, यहाँ पर स्थिति आपके पक्ष में नहीं होगी। जबकि केतु आय स्थान में होंगे, अर्थात आय बढ़ाने वाले होंगे, अचानक से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, कहीं से भी किसी भी स्थिति में
धन की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धियाँ आपकी बढ़ने वाले हैं, आप अपने पराक्रम के माध्यम से धन अर्जित करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस बात को लेकर के भी सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है कि जब आप किसी भी प्रकार से बहुत बड़ी धनराशि कहीं व्यय करने जा रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने जा रहे हैं, तो आपको भलीभांति सोच समझ कर यह कार्य करना चाहिए और प्रमाण के साथ यह कार्य करना चाहिए, क्योंकि यहाँ धोखाधड़ी होने के भी आपके साथ ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो आप किसी भी प्रकार की बड़ी संपत्ति खरीदने जा रहे हैं, वह बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो उनके एक्सपर्ट की आपको अवश्य सलाह लेनी चाहिए। आपके लिए स्थिति अच्छी बन रही है, लाभदायक है, लेकिन किसी प्रकार का धोखा ना हो, हानि ना हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए स्थिति मिश्रित फलदायी रहेगी। कुछ हद तक आपके लिए अच्छी सफलताएं व अच्छे सुख समृद्धि का यह राशि परिवर्तन का शुभाशुभ फल है। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप हमें किसी भी प्रकार से बता सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, या आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा।